अरे वाह ये मेरी नई नई गाड़ी चलाने ज़्थी। में तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है कितनी ज्यादा फास्ट चलती है ये इसको चलाने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है वो वो इतनी फास्ट गाड़ी तो मैंने आज तक नहीं देखी अरे ये क्या हो गया अरे कौन हो तुम पागल हो क्या ये क्या कर दिया तुमने अरे क्या हो गया भाई क्या हो गया अभी टकले तू ये क्या कर दिया आंटी को उड़ा दिया मेरी बीवी मेरी बीवी को मार दिया तूने ये क्या करा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा चल पुलिस के पास के मेरी बात सुन मेरे से गलती हो गई बता कितने पैसे चाहिए क्या पैसे आ, मेरी बीवी मारती और हमें पैसे दे रहा है हमें कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए मैं तुझे तो पुलिस के पास लेके जाऊंगा हाँ तो चल पुलिस के पास मेरे ऊपर केस होगा फिर देखते हैं कौन जीतेगा केस तेरे जैसा गरीब या फिर मैं जिसके पास पचास लॉयर है और वैसे भी तुम ये रोड पर क्या कर रहे थे यहाँ पर क्या कर रहे थे तुम ये रोड नहीं ये हमारा घर है हम यहीं पर रहते हैं यही पर खाना खाते है यही सोते क्या ये तुम्हारा घर है हा, 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 हा। बच्चे तुझे बता है मेरे मेरे पास पास क्या है मेरे पास है लो सेंटोस का वो मेंशन। मेंशन पे तेरे जैसे करीब अलाउड भी नहीं है मैं यहाँ से जा रहा हूँ तुम आराम से अपने रोड अरे मतलब घर पर सो जाओ बुढ़ाऊ मेरी बात सुन आंटी के साथ क्या है मैं उसका बदला तेरे से लेकर रहूंगा वो कैसे मुझे मारेगा नहीं मैं तुझे मारूंगा नहीं जो तेरा लॉस सेंटोस में सबसे बड़ा मेंशन है मैं उससे भी खतरनाक मेंशन लेकर दिखाऊंगा हा, हा, हा। अच्छा जो कर लेते हो बच्चे जब मैंने शुरुआत करी थी तो मेरे पास एक रूम वाला घर था उसके बाद चार रूम उसके बाद दस रूम उसके बाद ये बड़ा सा मेंशन मैंने ले लिया और तुम्हारी शुरुआत तो रोड होने वाली है तुम मेरे मैंशन तक कभी नहीं पहुँच पाओगे चौबीस घंटे चौबीस घंटे में तुम देखना मैं तुमसे भी खतरनाक मेंशन खरीद के दिखाऊंगा अरे बच्चे सपने देखो सपने देखो मैं जा रहा हूँ मेरी पांच मिलियन डॉलर की गाड़ी में और ये तेरी आंटी है ना ये ले, तेरे अंकल को सकते अंकल अंकल आप ठीक हो ना बच्चे मैं तो ठीक हूँ पर मेरी बीवी मर गई अंकल आप टेंशन लो हम आंटी का बदला लेकर रहेंगे अब को हॉस्पिटल लेके जाऊं और मैं जाता हूँ खतरनाक खतरनाक खरीदने तो सर, अंकल ने मैं बहुत ही परेशान कर दिया और सर, मैंने एक चैलेंज ले लिया एक दिन में, वो अंकल के पास जो मेंशन है चौबीस घंटे दिखाऊंगा और सर, उन अंकल का मेंशन, सेंटोस का सबसे बड़ा मेंशन है पर मेरा मेंशन उससे भी बड़ा होने वाला है छोटे से घर से छोटे से शुरुआत करेंगे तभी तो बड़े पर जाएंगे तो चलो फटाफट से चलते हैं। घर और बेचक करी दे, तो फटाफट वीडियो को को लाइक कर कर दो, कर दो चैनल सब्सक्राइब और कमेंट में लिख दो गुड लक फ्रैंकलिन। मैंने सुना है तुम दोनों को चाहिए बहुत सारा पैसा तो क्या तुम दोनों तैयार हो बहुत सारा पैसा कमाने के लिए हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ अपन भी तैयार है तो मुझे बताओ तुमको पैसा क्यों चाहिए फ्रैंकलिन मुझे मुझे पैसा इसलिए चाहिए ताकि मैं अपना पहला घर खरीद सकूं अभी तो मैं रोड पर रह रहा हूँ ओके ओके तुम्हें क्यों चाहिए और बड़ो वो क्या है अब उनको नई नई कार पसंद आई है और अब उनको वो गाड़ी खरीदनी है तो चलो ठीक है मैं तुम्हें, तुम्हें, तुम्हें तुम्हारी पसंद का घर नहीं दिला सकता और तुम्हारी गाड़ी भी नहीं पर मैं तुम्हें उसके पैसे जरूर दे सकता हूँ फिर तुम खुद जाकर सेलेक्ट कर लेना पैसे पैसे कितने मिलेंगे तुम्हें मिलने वाला है ये पूरा का पूरा गोल्ड ガーッ! गोल्ड कॉइन और बड़ो क्या गोल्ड कॉइन और मेरी गाड़ी बहुत ही महंगी है ये गोल्ड कॉइन से नहीं आएगी तुम्हारी गाड़ी कितने की है और बड़ो एक लाख डॉलर की है ये गोल्ड कॉइन तुम्हारी दो गाड़ियाँ खरीद लेगा क्या ये गोल्ड को लाख डॉलर का है हाँ तुमने सही समझा ये प्योर गोल्ड है और अगर तुम इसको बेचोगे तो तुम्हें दो लाख डॉलर मिल जाएंगे उसमें तुम्हारा पहला घर भी आ जाएगा और तुम्हारी गाड़ी भी अरे अब करना क्या जल्दी ऐसी बताओ तो जैसा की तुमको पता पीछे है मिलिट्री बेस का एंट्री गेट तो जो भी मिलिट्री बेस के अंदर घुस कर मेरे लिए मिलिट्री का टैंक चुरा कर लाएगा मैं उसे ये गोल्ड कॉइन देने वाला हूं. क्या मिलिट्री का टैंक चुराना पड़ेगा ये तो बहुत ही मुश्किल हो सकता है मुश्किल है तभी तो ये चैलेंज है अब क्या तुम करना चाहते हो या फिर नहीं आ, और बढ़ो तू तो सोचता रह मैं तो निकल चुका हूँ मैं वो मिलिट्री का टैंक लेकर आऊंगा अरे बार तो सुन लो तुम्हें वापस जिंदा जरूर आना है और बड़ो तुम टेंशन मत लो मैं जिंदा ही वापस आऊंगा गा। मैं इस मिलिट्री बेस में घुस के उस टैंक को चुरा कर पर है टैंक ये मिलिट्री वाला तो मेरे पे गोलियां चला रहा है और मैं इससे भी बच चुका हूँ बड़ो लोग तुम तो मेरा कुछ नहीं कर सकते सामने मुझे टैंक मिल चुका है चलो फटाफट इसको चुरा लेता हूं। हा हा हा। और ये क्या हो गया बिल्कुल फ्रैंकलिन वो तो मर चुका है अब तुम्हारी बारी आ चुकी है क्या तुम इसको करना चाहते हो करना तो पड़ेगा ही मेरे पास और कोई नहीं है। मुझे ये दो लाख डॉलर का सामने से मिलिट्री की गाड़ी अरे मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कैसे भी करके उस मिलिट्री वाले टैंक तक पहुंचना ही पड़ेगा और वो सामने से मिलिट्री वाले भागते भागते मैं इनको यहीं से मार

Kaiser, अभी मैंने यहाँ पर सभी जनों को उड़ा दिया जितने भी मिलिट्री वाले थे बेटा तो मुझे ये पर मिल चुका है। और इसको बेचने की हमें मिलने वाले दो लाख डॉलर तो चलो फटाफट से इसको बेचते हैं और अपने सबसे पहले घर पर हम जाने वाले लेट्स तो अभी आप देख सकते मैंने खरीद लिया अपने आज का सबसे पहला पहला घर जी हाँ दो लाख रुपए में मैंने यहाँ पर एक घर और एक छोटी सी गाड़ी खरीद ली है कितनी ज्यादा क्यूट गाड़ी है चलो गाय आपको दिखाता तो हूँ मेरे इस एक लाख के घर में क्या क्या चीज है यहाँ पर जाएंगे आप देख सकते हो तो। यहाँ पर थोड़ा चिल करने का एरिया बना हुआ है मैंने सोचा था मुझे एक लाख में गार्डन मिल जाएगा पर यहाँ पर सिर्फ घास पत्ती मिल चुकी है मुझे पर गाइजर अभी रुको अभी हम जाएंगे यहाँ से ऊपर सबसे बढ़िया चीज हमारा प्यारा सा स्विमिंग पूल मुझे पता है थोड़ा सा छोटा है पर एक लाख में इतना ही मिलता है यहाँ पर ये छोटा सा स्विमिंग पूल

था अब सोचो मुझे और भी ज्यादा गोल्ड मिल जाए तो मैं क्या-क्या खरीद पाऊंगा तो चलो फटाफट से चलते हैं। और भी बहुत सारा गोल्ड जमा करते हैं कितनी ज्यादा बढ़िया लगने वाली है तो चलो फटाफट से चलते हैं। गोल्ड जमा करने। बच्चे, तुम्हारा स्वागत है इस चैलेंज में तुम्हें मिलने वाला गोल्ड का बार और ये बार होता है गोल्ड का बहुत ही ज्यादा महंगा अंकल इसका प्राइस क्या होगा इसका प्राइस होगा पांच या छह मिलियन डॉलर पाँच मिलियन बच्चे प्राइस तो बहुत ज्यादा है पर चैलेंज उससे खतरनाक है तुम्हारे आस पास पांच तरह की व्हीकल्स खड़ी है साइकिल एक पहली साइकिल बाइक जीप और वैन इन सब को तुम्हे लेकर जाना है इस पोल से सामने वाले रैंप पर मैं तुम्हारा यहाँ पर वेट करने वाला हूँ इस गोल्ड बार के साथ अगर तुमने पांचों की पांचों गाड़ियां ला दी तो ये गोल्ड बॉर्ड तुम्हारा हो जाएगा क्या पांचों की पांचों गाड़ियां उधर तक पहुंचाने पड़ेगी और बच्चे याद रखना अगर तुम नीचे गिरे तो बचने का कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि नीचे है लावा अरे लावाइजर ये लावा कहां से आ गया ये चैलेंज तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है पर काइर हमें कैसे भी करके करना पड़ेगा क्योंकि हमें वो गोल्ड चाहिए तो सबसे पहले जो हमारी व्हीकल होने वाली है वो है साइकिल एक नॉर्मल साइकिल है इसको हमें लेकर जाना है इस पुल के ऊपर ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है पर इसको लेकर आराम आराम बचाओ, बचाओ। इस ले आ चुका हूँ इस पुल से इस तरफ ये सही में बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा था और मुश्किल भी था अगर मैं नीचे गिर जाता तो ये लावा मुझे भस्म कर देता पर कैसर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे डिफिकल्टी बढ़ने वाली है अभी आप देख सकते

भी लगभग खत्म हो चुका है और ये बो... बहुत बढ़िया बच्चे दो व्हीकल हो चुकी है अब तीन व्हीकल और सबसे मुश्किल व्हीकल तो कैसे बड़ी सी वैन इस पतले से कैसे से जाएगी मुझे नहीं पता पर अभी अपन बाइक लेकर चलते फटाफट से इस बाइक को सेम साइकिल की तरह बैलेंस करना है और धीरे धीरे आराम आराम से उस तरफ चले जाना है हमें उस गोल्ड के लिए कुछ भी करना

आराम से इस वैन को उधर तक लेके जाना है बिल्कुल आराम से चलो 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 और ये क्या कैसर हम इस खतरनाक सी वैन को भी पर लेकर आ चुके हैं बहुत बढ़िया है लड़के मैंने कभी नहीं सोचा था तुम ये कर पाओगे पर तुमने कर दिखाया और तुम ये गोल्ड का बार जीत चुके हो फाइन गोल्ड नाइन 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 वन थाउजेंड ग्राम हम यहाँ पर जीत चुके तो कैसर अभी हम जीत चुके हैं पांच मिलियन डॉलर का गोल्ड और इससे हम खरीदने वाले पांच मिलियन डॉलर का मेंशन 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 चलो फटाफट से आपको लेकर चलता हमारे नए नए पर अंकल तो अभी हम लोग जाने वाले अपने मिलियन वाले अपने मिलियन में जो कि हमने वो गोल्ड का बार बेच के खरीदा है चलो फटाफट से चलते हैं और साथ में मैंने स्वागत है ने ने मिलियन के घर पर और अभी देख कि इस सारी गाड़ियां में मिलती है और मेरा गैराज ऑटोमेटिकली खुल गया तीन हमें मिलती है पांच मिलियन में और दो स्पोर्ट्स कार भी मिलती है तो फटाफट से अपनी जी वेगन को पार्किंग में लगाते हैं फिर आपको दिखाता हूं इस घर में और क्या क्या चीजें तो आपको याद होगा एक लाख वाले घर में एक छोटा सा स्विमिंग पूल था और छोटी सी पार्किंग थी पर पर पार्किंग बहुत ही ज्यादा बड़ी है और अलग से गैराज भी दे रखा है तो फटाफट से अपन घर के अंदर चलते हैं और अंदर आते एक बड़ा सा किचन और यहाँ पर देख कितना बड़ा टीवी लगा हुआ है और इधर बाहर आते इतना ज्यादा बड़ा स्विमिंग फूल यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कितना ज्यादा खतरनाक है ये यहाँ पर कर सकते हैं बहुत सारी पार्टी आप देख दो तो यहाँ पर फुल बैठ के पार्टी वार्टी करो लॉस सेंटोस के बढ़िया व्यू यहाँ से आते हैं और कह सर अभी तो एक और फ्लोर देखना बाकी है पांच मिलियन डॉलर में ये घर सही में बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा मुझे तो अभी हम यहाँ से चाहेंगे ऊपर यहाँ पर बढ़िया सी बालकनी है और यहाँ पर रूम भी देख लेते हैं तो कह सर पांच मिलियन डॉलर के हिसाब से ये रूम कैसा है फटाफट से कमेंट करके बता दो मुझे तो बढ़िया लगा यहाँ पर बढ़िया सा टीवी भी है

सबसे बड़ा और सबसे महंगा मेंशन खरीद पाए तो चलो फटाफट से चलते हैं और भी गोल जमा करते हैं और तुम्हारा स्वागत है इस खतरनाक से चैलेंज में इस चैलेंज का प्राइस है इतना सारा गोल्ड पूरा का पूरा काट भर के मैंने खुद अपने हाथों से इसको माइन किया है बच्चे और इतना सारा गोल्ड इसकी वैल्यू क्या होगी इसकी वैल्यू अभी है सौ मिलियन और ये क्या डेढ़ सौ मिलियन हो गई और ये तो दो सौ मिलियन होने वाली है हर सेकंड इसकी वैल्यू बढ़ रही है क्योंकि ये है प्योर गोल्ड अरे मुझे जल्दी से बताओ कौन सा चैलेंज करना है बच्चे चैलेंज तुम्हारे सामने है। हाँ मेरी गाड़ी का है बच्चे यही तो ट्विस्ट है बिना गाड़ी के ये चैलेंज करना पड़ेगा क्या बिना गाड़ी के हाँ बच्चे अगर तुम्हें ये चाहिए तीन सौ मिलियन डॉलर का गोल्ड तो बिना गाड़ी के करना पड़ेगा क्या अब इसकी प्राइस तीन सौ गई और ये क्या साढ़े तीन सौ इंग्लिश में बताना अरे थ्री फिफ्टी थ्री इसको स्टार्ट करना पड़ेगा तो कह सर उस गोल्ड का प्राइस तो पानी की तरफ बढ़ता जा रहा है हमें जल्दी से जल्दी इस चैलेंज को करना पड़ेगा कंप्लीट ताकि वो सारा का सारा गोल्ड हमें मिल सके और हम लॉस सेंटोस का सबसे महंगा बड़ा खतर

बाइक गिर गई मुझे यहां से जंप करना है इस बाइक के साथ फटाफट से इसके ऊपर बैठ जाते हैं और यहां से हम करने वाले एक खतरनाक से जंप थ्री टू वन ये होने वाला है फाइनल जंप लेट्स गो और गाइस आप देख सकते हो हमने पहुंच चुके हैं फिनिशिंग लाइन पर हमने इस पूरे के पूरे चैलेंज को कंप्लीट कर दिया नहीं, बहुत बढ़िया बच्चे तुम ये सारा का सारा गोल जीत चुके हो और इसका प्राइस है 800 मिलियन डॉलर क्या 800 मिलियन ये तो बात ही खतरनाक है इतना सारा पैसा तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा तो गाइस सबसे पहले हमने लिया था एक लाख डॉलर का कर उसके बाद हमने लिया पांच मिलियन डॉलर का कर अब हम लेने वाले हैं वन बिलियन डॉलर का क्योंकि दे में इसकी प्राइस वन बिलियन डॉलर होने वाली है तो चलो यार हमारे चलते फाइनल घर में जिसका प्राइस होने वाला है वन बिलियन डॉलर तो गाइजर अभी आप देख सकते हो फाइनली हम जा रहे हैं अपने बिलियन वाले मेंशन में क्योंकि गाइजर ये गोल्ड का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ बढ़ के वन बिलियन था अभी भी बढ़ते जा रहा है पर अभी हमने उसको बेच दिया है तो हमें कुछ मिलने नहीं वाला फटाफट से अपनी मर्सडीज जी एल एस मैंने यहां पर कड़ी कड़ी कर दी कड़ी कर दी और गाइजर आप देख सकते हो इसका गैराज बहुत ही खतरनाक है एक दो तीन चार 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 सुपर कार और साथ में बुगाटी और ये रेसिंग वाली कार भी है और उस साइड भी गिराज है उधर भी बहुत खतरनाक खतरनाक गाड़ियां खड़ी है सिम, सिम। आप देख सकते हो तो पर एक खतरनाक सी बैटमैन की गाड़ी खड़ी है मर्सिडीज पुलिस वाली कार और खतरनाक सी सुपर कार और ये मेरी मर्सिडीज के लिए जगह भी यहाँ पर खाली है पर कैसे अब चलते फटाफट फड़ से मैं अंदर और आप देख सकते हो कितना ज्यादा बड़ा मैं ये यहाँ पर बैठ के हम कर सकते हैं मीटिंग्स यहाँ पर डाइनिंग टेबल है पूल टेबल भी है। ये घर सही में बहुत ज्यादा बड़ा है यहाँ पर आप देख सकते हो तो एक बढ़िया सा किचन और हैं पर पर है। तो है साम, है। उसको भी बाद में चलकर देखेंगे पर ये बोलिंग रूम सही में बहुत ही ज्यादा बढ़िया था और साइड में इसके बार भी बना हुआ है मैंने एक बिलियन डॉलर का गोल्ड बेच दिया पर मेरे कपड़े देखो मैंने अभी तक चेंज नहीं किए और यहाँ से

खतरनाक है फटाफट से कमेंट करके बताओ कैसा लगा आपको ये घर और स्विमिंग पूल तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है इतना ज्यादा बड़ा ज्वाइंट स्विमिंग पूल यहाँ पर पार्टी करने का एरिया भी है बीच में जकूसी बनी हुई है यहाँ पर ठंडा पानी पर गर्म पानी और सामने हमारा भी खड़ा है अभी ऊपर वाले फ्लोर पर हम आ चुके अपने बेडरूम देखने कितना ज्यादा बड़ा बड़ा बेडरूम है यहाँ पर ऑफिस टेबल भी है यहाँ पर बढ़िया सा हमारा बेड लगा हुआ है सामने एक और बेडरूम ये वाला बेडरूम थोड़ा और ज्यादा बढ़िया

वन बिलियन डॉलर में हमें बढ़िया मिला बुक जो की बहुत भी खतरनाक है। मिली और कैसा लगा मुझे तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगा और अब इस खतरनाक सी रेसिंग कार में मैं जा रहा हूं घूमने तो कह सर आज से इतना ही अगर आपको लाइक कर देना चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना पता नहीं इसलिए फटाफट से कमेंट करके बता दो और कहीं सर इस और को डिस्क्रिप्शन पे वापस और फॉलो करना और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय